आज का यमुना संसद अरे ऊपर कर ले, मैं दिल्ली के सभी लोग, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन, मैं ना बनाऊंगा, दिल्ली में रहने वाले सभी लोग मिल करके ये संकल्प लेने के लिए अपना संसद में शामिल हुए। अरे चुप रहो यार, कला के माध्यम से भाई नीचे मैंने ठीक कर रहा हूँ, चुप रहो यार। छात्र भी है जिसमें, युवा भी है जिसमें, व्यापारी भी है, राजनीतिक पार्टी के भी लोग हैं, सामाजिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यमुना के अंदर जो आज प्रदूषण है उसको हम सब पूरे दिल्ली वाले मिल करके पैदा करते हैं, तो इसके समाधान के लिए सरकार के स्तर पे और समाज के स्तर पे सहभागी मिलकर के, दोनों मिलकर के प्रयास करें तो इस लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सकता है। इस पूरे आयोजन के लिए सरकार के स्तर पे लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन समाज के स्तर पे लोगों को जागरूक करने का जो बीड़ा यमुना संसद के माध्यम से लोगों ने उठाया है, श्री गोविंदाचार्य जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में रविशंकर तिवारी जी और पूरी टीम पत्रकारों की खास तौर से, और मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आम तौर पर पत्रकारों की आज भूमिका केवल सवाल करने की होती है, लेकिन पत्रकार मित्रों ने मिलकर के जिस तरह से सामने आकर के समाधान के लिए भी प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय है। और मुझे भरोसा है कि दिल्ली के अंदर यमुना को लेकर के जिस तरह से लोगों में लगाव पैदा हो रहा है, उससे निश्चित रूप से इसकी सफाई का जो लक्ष्य है वो और जल्दी पूरा होगा और यमुना का प्रवाह निर्मल तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद से हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने हिस्से का जो प्रदूषण है यमुना में जो हम प्रवाहित करते हैं उसको अगर हम रोकते हैं तो ये भी एक बड़ा योगदान होगा। सरकार मिलकर के और समाज मिलकर के काम करेगा तो मुझे लगता है कि यमुना जो है अपनी स्वच्छता को जल्दी हासिल करेगी, और इसी लक्ष्य के साथ हम सब लोग यहाँ इसी उद्देश्य के साथ यहाँ इकट्ठा हो गए। तो ये मैं एक बार अपनी बात आप लोग रखेंगे, चलो ठीक लगा लो, यमुना जी सबके लिए है, यमुना जी के लिए किया जा रहा आंदोलन भी सबके लिए है, जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय पार्टी ये सब दुय्यम है। यमुना जी अविरल बहें निर्मल रहें, इसमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना और सब मिलकर दुरुस्त करना, और आगे की पीढ़ी इसमें विशेष तौर पर लगे, ये तो आगे की पीढ़ी के अपने स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए ही आवश्यक है। इसलिए इस विषय में राजनैतिक सहमति होना चाहिए, राजनैतिक विवाद किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। सुखद बात है इस बार कि दिल्ली में सक्रिय राजनैतिक दल सभी ने अनुकूलता दिखाई है और सभी सामने आकर कुछ प्रत्यक्ष रहकर कुछ परोक्ष में रहकर समर्थन करते हैं, खुले तौर पर भी और साथ में रहते हैं। ये इस आंदोलन की विशेषता है कि जनता का आंदोलन जनता का बना रहे, तभी अविरल और निर्मल यमुना जी को देखने में हम सबको कामयाबी मिली। हमारे भाई बंधु हैं जो इधर बीच में खड़े हैं, कृपा करके एक साइड में लाइन में लग जाए। सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि जिस निधि की आवर उपस्थित हुए हैं उस काम के तरफ बढ़े, जिस कार्य के लिए एक गोपी का।
जाती है, बड़े बड़े इतिहास बदले गए और ये इतिहास की शुभारंभ हो रही है। भारत माता की, यमुना